आपको कोई नई फाइल डाउनलोड करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप एक काम कर सकते हो कि कहीं पे ये लोडेड है, कोई वेबसाइट में पहले से लोड है और उसको आप डाउनलोड करोगे। और दूसरा एक तरीका है कि अगर कोई दोस्त के पास होगा तो आप उससे मांग लोगे। अभी फाइल को तो छोड़ दो, आपको मान लो 2,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है, 2,000 रुपए की आपको जरूरत है। अब आप दो तरीके से इस ले सकते हो, या तो आप एक काम करो कि आपके बैंक में पैसे जमा हैं तो आप बैंक में जा, आज संडे है तो आप सोच रहे हो कि चलो मंडे आएगा बैंक खुलेगा और धर 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 करके अपन निकालेंगे, जाके बैंक से या एटीएम से आप पैसे निकाल लोगे। और दूसरा तरीका है कि आप किसी फ्रेंड से मांग लोगे, बोरो कर लोगे, लेकिन आप थोड़े स्वाभिमानी टाइप के हो तो आप बोल रहे हो कि भाई मैं पहले अपना पैसा यूज करूंगा, फ्रेंड का नहीं करूंगा। आपने गए बैंक में, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मंडे अचानक से बैंक खुला और इतनी लंबी लाइन है कि बाहर तक लाइन है, फिर आपने एटीएम देखा, एटीएम में भी बाहर तक लाइन है, मतलब आपको अब पैसे तो चाहिए लेकिन, और आपको भी अर्जेंट चाहिए लेकिन प्रॉब्लम है, तो अब आप क्या करोगे? आप फिर अपने दोस्त से मांगोगे। दोस्त जो होगा उसके पास बोलेगा कि भाई मेरे पास 2,000 रुपए पूरे नहीं है, मेरे पास 500 रुपए हैं, तो बोलेगा ठीक है यार 500 दे दे, मैं और दो तीन फ्रेंड से मांग लेता हूँ, सबसे 500 500 लेगा और उसके 2,000 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस टॉरेंट भी फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि मान लो कि अचानक से आपको कोई चीज डाउनलोड करना है जो अभी जस्ट अपलोड हुआ है और आपको बहुत देर से मन था कि उस वीडियो को मैं देखूं, जैसे ही डाउनलोड मतलब अपलोड होगा तो अपलोड हुआ सर्वर पे और आपने देखने की कोशिश की और इतना भीड़ है और ट्रैफिक है कि आप वो वहां से सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आया, इतने सारे लोग शुरू किए और वो पूरा उसका सर्वर ही डाउन हो गया। अब क्या करोगे? अब एक तरीका ये है कि एक काम करते हैं, ये जो फाइल है ना, हो सकता है आप 5 मिनट में उसको, 5 मिनट जैसे ही अपलोड हुआ उसके 5 मिनट बाद आप उसको देखना चाह रहे थे, लेकिन 5 मिनट के दौरान में कोई उसको अपलोड डाउनलोड कर लिया होगा और उसको बिट टॉरेंट में डाल दिया होगा। अभी यहाँ पे बिट टॉरेंट में है ना, तो क्या बन गया कि अब वो तो डाल दिया, डालने के बाद अब वो सीडर बन गया है। सीडर मतलब कि वो अब देना शुरू करेगा लोगों को, तो लेकिन उसका पूरा का पूरा फाइल नहीं है, मान लो ये 2 GB का फाइल है तो पूरा 2 GB का फाइल वो सीड करना शुरू नहीं कर देगा। इसका मतलब ये है कि उसका फाइल, आपको मालूम होगा कि फाइल ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से बना रहता है, पैकेट्स में रहता है, तो ये छोटे छोटे पैकेट्स है ना, ये हो सकता है कि यहाँ पे 50 लोग उसको मांग रहे हैं, उसका डिमांड कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो इसको दे दिया, ये जो बीच वाला पार्ट है वो इसको दे दिया, ये वाला पार्ट इसको दे दिया। ऐसा भी नहीं कर सकता कि यही सेम पार्ट जो है ना वो सबको दे दे, क्योंकि अगर बाय चांस नेट में प्रॉब्लम हो गया तो सबके पास सिर्फ वही पार्ट रह जाएगा, बाकी कुछ रहेगा नहीं। तो बिट टॉरेंट ऐसा काम करता है कि जितने लोगों को देना है वो अलग अलग पार्ट सबसे पहले देना शुरू करता है, मतलब 1 इसको दे दिया तो 3 इसको दे दिया, 7 इसको दे दिया, 8 किसी और को दे दिया। ऐसे में क्या होता है कि मान लो ये 1 इसके पास है, 3 इसके पास है, 5 इसके पास है, 7 इसके पास है, 9 इसके पास है, ऐसे करते करते पूरा मतलब जब तक वो सीड कर रहा है तब तक सबके पास एक एक पार्ट तो हो ही जाएगा अल्टीमेटली। अब सबके पास एक एक पार्ट है, अब वहां से देना लेना शुरू होगा कि ये 5 दे दिया, ये अपना चुपचाप एक पार्ट दे दिया 3, ये अपना 7 दे दिया करके, इसके पास भी अपना फाइल आ गया, मान लो इसको रिक्वायरमेंट है तो ये भी उन लोगों से ले लिया। तो ये इनका प्रोसेस होता है लेने का। और वैसे ही जैसे ही इसके पास ये 1 आया तो ये टोकन ये भी देना शुरू कर दिया कि भाई मेरे पास भी 1 है, किसी को चाहिए तो ले लो। तो ऐसे करके ये जो साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है कि ये यहाँ से ले ले और साथ में यहाँ से दे दे, ये प्रोसेस बिट टॉरेंट प्रोटोकॉल कहलाता है। अभी समझ में आया या फिर से एक बार समझाओ, बताओ। आ गया सर समझ। बाकी लोग जो बोले थे उस समय जिनको नहीं आया वो, मेघा और कौन कौन बोला था, सच्ची यस सर। बताओ आया कि नहीं? अरे कुछ बोलो भाई। सर वो जो मतलब जो पैकेट 1 by 1 देते हैं तो वो एक ही जो क्लाइंट को देते हैं या दूसरे को? कौन सा वन बाय वन? नहीं, एक ही क्लाइंट को नहीं देते हैं ये, तो
कितने सारे क्लाइंट हो सकते हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग क्लाइंट हो सकते हैं, और ये जैसे वन वाला देना है तो वन किसी और को दे दिए। देखो ऐसा हो सकता है कि ये जो फाइल है आपका, ये वन अपन दे दिए मान लो इस बंदे को, वन हो सकता है अपन यहाँ पे एक बंदा हो सकता है उसको भी दे दिए, टू मान लो इसको दे दिए, और टू शायद अपन इसको भी दे दिए, ऐसे करके किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। बस यहाँ पे ऐसा चलता रहता है कि कोई यहाँ पे डालता जाता है और ये उसको देते जाता है, इसके पास भी आ गया तो ये भी किसी को देना शुरू कर देगा और ये साथ में दूसरे का लेना भी शुरू कर देगा, तो यहाँ पे आदान प्रदान ये सब चलता रहता है। सर, ये वो जो 1 2 3 7 9 ये सब लिखा है, ये वो फाइल के छोटे छोटे पैकेट है ना, हाँ, ये छोटे छोटे मतलब पैकेट हैं, पूरा छोटे फाइल छोटे, कंप्लीट किसी के पास नहीं है। पूरा फाइल एक बार आपके यहाँ डाउनलोड हो जाएगा तो पूरा फाइल आ जाएगा, लेकिन अगर मान लो आपका म्यू टॉरेंट ऑन है और आप सीडिंग की चीज को ऑन करके रखे हो, ठीक है, आपका म्यू टॉरेंट जो एप्लीकेशन है वो ऑन है और आपने ऑन करके रखा है सीडिंग को, तो आपका अगर आपका पूरा फाइल डाउनलोड हो गया ना, तो अब वो अपने आप क्या करेगा कि आपके जो फाइल के पैकेट हैं उसको भी किसी और को मान लो चाहिए होगा, हो सकता है दुनिया में किसी को चाहिए होगा, तो आपका पूरे फाइल का एक छोटा सा जो पार्ट है उसको भी वो दे देगा, फिर किसी और से छोटा सा पार्ट उसको दे देगा, और ऐसे करके उसके पास भी एक पूरा फाइल आ जाएगा। ओके, तो ये बिट टॉरेंट प्रोटोकॉल बड़ा एक काम का है, मतलब अलग ही टेक्निक से काम करता है और बड़ा अच्छा है। इसके बाद हम लोग, मैं आगे बढ़ू ना या फिर अभी भी किसी को भी कोई दिक्कत है तो इनोसेंटली बोल सकता है। ठीक है, नहीं बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक दिन उस दिन हम लोग एक टेलनेट के बारे में एक वीडियो बस देखे थे जल्दी में, और फिर हम लोग रैप अप कर लिए थे। शायद मेघा पूछी भी थी कि टेलनेट सर उतना समझ में नहीं आया, अभी समझ में आया सबको? यस हाँ, उसके बारे में मैं एक बार कुछ पॉइंट्स लिख भी देता हूँ ताकि ये आपको एक शॉर्ट नोट्स की तरह काम रहे अगर पढ़ना होगा तो। ठीक है, तो टेलनेट, अगर आपको ध्यान होगा उस वीडियो का, तो टेलनेट का फुल फॉर्म है टेली टाइप नेटवर्क। टेली शब्द से आप लोगों को मैं यही बताया था कि जो दूर का चीज है उसको टेली बोलते हैं, तो बेसिकली ये क्या हुआ था, इंटरनेट से भी आने से पहले ये चीज स्टेब्लिश हो चुकी थी 1969 में, जब अपन को, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो और ये दूर कहीं पे कोई सर्वर है जहाँ पे कोई चीज लोड है, या कोई कंप्यूटर है जहाँ पे कोई चीज फाइल है और वहां से आपको कोई फाइल लेके आना है, तो उसके लिए एक क्या तरीका हो सकता है, तो यहाँ पे एक काम किए थे, ये एक टर्मिनल टर्मिनल इम्यूलेशन प्रोग्राम बनाया गया था। टर्मिनल इम्यूलेशन प्रोग्राम ये बनाया गया था जो मदद करता था कि आप यहाँ पे बैठे बैठे सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए उस समय तो इतने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आते नहीं थे, तो एक सिंपल कमांड लाइन टूल, ये इसको कह सकते हैं अपन, जो टेलनेट है वो एक कमांड लाइन टूल है। टूल कौन सा है, कमांड लाइन टूल है जो कि आपके कंप्यूटर में चलता है। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं दैट इज रन ऑन योर कंप्यूटर। और ये आपको क्या करता है, इट विल अलाउ यू टू सेंड कमांड्स रिमोटली टू सर्वर। ठीक है, एंड विल अलाउ अलाउ, मेरी राइटिंग तो समझ में आ जाती है ना आप लोगों को? बिल्कुल सर, यस सर, कमांड्स रिमोटली टू सर्वर। हालांकि आप लोगों को सिर्फ नोट्स तो नहीं देखना चाहिए, इधर उधर जितने भी जगह से मिले हैं वो उससे पढ़ना चाहिए, सिर्फ रेफरेंस के तौर पे मैं यहाँ पे लिख के आपको दे दे रहा हूँ कि आपको इसमें बेसिकली क्या समझना है, कि ये कमांड लाइन टूल है जिसमें आप अपने कंप्यूटर में कुछ 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 लिखोगे और वो जाके सर्वर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये कमांड्स से फायदा क्या होगा, आप क्या क्या कर सकते हो, आप अगर सर्वर की तरफ, तो आप बिल्कुल वहां पे प्रोग्राम्स को, कोई भी जो सर्वर में कोई प्रोग्राम है उसको आप रन कर सकते हो, वहां पे आप फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि वहां पे आप
क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर फाइल डिलीट कर सकते हो, कोई फाइल को ट्रांसफर करना है तो कर सकते हो, कोई सर्विस है उसको आप स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो, कोई सर्विस वहां पे चल रहा है उसको स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो, डायरेक्टरीज वहां पे देख सकते हो, ठीक है। ओके इवन आप लोग इस कमांड से जो बीच में स्विचेस होते हैं और राउटर्स होते हैं उसको भी आप मैनेज कर सकते हो, उसके आप पोर्ट्स को चेक कर सकते हो या कुछ भी उसमें यूज कर सकते हो। ये कहाँ पे यूज होता है, अभी अगर आपको यूज करना है तो आप इसको विंडोज पे यूज कर सकते हो, अगर आपको मैक जो ओएस है उस पे यूज कर सकते हो, लिनक्स में अगर आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जैसे मैंने बताया कि ये एक कमांड लाइन टूल है तो इसमें GUI नहीं होता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसमें नहीं होता, ठीक है, जिसमें आप कोई ऐप टाइप का है या कोई आप बटन क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होने की वजह से इसमें जो कमांड्स आप देते हो वो नॉर्मल आप कीबोर्ड्स के माध्यम से देते हो और ये कमांड के रूप में इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये फास्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो कमांड्स होते हैं ये बिल्कुल क्लियर टेक्स्ट के फॉर्म पे जाते हैं, मतलब कि अगर आपको इधर से उधर डेटा भेजना है तो एकदम क्लियर टेक्स्ट के फॉर्म पे जाएंगे, और क्लियर टेक्स्ट है इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एनक्रिप्शन नहीं हो रखा है, इसका मतलब है अनरिलायबल ये एक टाइप का फाइल ट्रांसफर मैकेनिज्म है। इसी वजह से इसको छोटे नेटवर्क में यूज किया जाता है, एक लोकल एरिया जब अपन नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होता है, और कभी भी अपन उस जगह पे भी यूज करना पड़ता है जहां पे सर्वर्स थोड़े ओल्ड हैं या फिर ओल्ड इक्विपमेंट अगर हैं तो अभी के वो प्रोटोकॉल्स को नहीं समझ पाएंगे, तब हम लोगों को टेलनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेलनेट जो क्लाइंट है, टेलनेट क्लाइंट, उसको आपको ऑन करना पड़ता है। वो कहाँ से होता है, अगर आप प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में एरिया में जाएंगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर में, तो प्रोग्राम्स एंड फीचर में आपको वहां पे ऑप्शन आता है कि आप विंडोज के जो फीचर है उसको ऑन या ऑफ कर सको, और वहां से आप कोशिश करेंगे कि आप जब आप नॉर्मल अपना कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट उसमें अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि टेलनेट वगैरह, टेलनेट उसके आगे का जो प्रोसेस आप करना चाहते हैं, जैसे उसमें कुछ एग्जांपल वीडियो में भी आपको दिखाए थे कि स्टार वॉर्स है या फिर आपको चेस खेलना है तो उसके लिए टेलनेट फ्री चेस .org 5000 ऐसे करके उसका वो दिया हुआ है, उसमें आप करेंगे तो ये पहले से वहां पे सर्वर में लोड है फ्री चेस, आप टेलनेट बोल के और आपने प्रोग्राम एंड फीचर से आपने क्लाइंट का फीचर को ऑन कर रखा है, मतलब आप क्लाइंट बन चुके हैं, आप ये फीचर रिक्वेस्ट मांग रहे हैं और ये पहले से वहां लोड होगा तो वो आपका वहां से एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। तो अभी सबको क्लियर है टेलनेट, जो नए जुड़े हैं उन लोगों को भी, किसी को कोई डाउट है तो कृपया करके पूछ ले, शर्माओगे पूछने में तो तुम लोगों का ही लॉस है, वो गाना है ना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता वैसा ही कुछ। सर ये क्लास आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ मैं ये क्लास कल से रिकॉर्ड, मैं पहले ध्यान नहीं था लेकिन कल भी रिकॉर्ड किया था, आज भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सर उसको व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप में शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट टीम पे काम कर रहे हैं अपन तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे कोई भी वीडियो अपन रिकॉर्ड करते हैं ना कोई मीटिंग को, तो वो जाता है रिकॉर्ड होके माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे, मतलब आपको जैसे पता होगा कि गूगल कंपनी का एक ऐप है जिससे हम लोग वीडियो देखते हैं वो है यूट्यूब, ये गूगल कंपनी का है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ऐप है जिससे हम लोग वीडियो देखते हैं वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम, जिसमें हम लोग कोई वीडियो अगर कुछ अपलोड कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो वीडियोस होते हैं ना ये अपने आप जैसे ही मीटिंग खत्म होगा मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा, वो थोड़ा सा प्रोसेस लेता है और माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे जाके अपलोड हो जाता है, और वहां से आपको डाउनलोड करने की फैसिलिटी रहती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो,
हालांकि वो 2 घंटे का जैसे रहेगा तो वो काफी 700-800 MB का रहता है फाइल, तो वो ऐसे नॉर्मल भेजाएगा नहीं, ठीक है? तो आप लोग अगर टीम पे रहोगे तो वो उसको देख सकते हो, हाला ठीक है? ठीक हाँ ओके, टेलनेट हो गया क्या? आगे बढ़ूं टेलनेट से? यस सर, यस ओके। नेक्स्ट हम लोग को एक टॉपिक देखना है जो है आपका सिक्योर शेल, जो कि जितने टॉपिक आपको सेकेंड यूनिट में दिया हुआ है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में, उसमें ऑलमोस्ट ये लास्ट है, उसके बाद सिर्फ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी वगैरह आपको दिया हुआ है। तो सिक्योर शेल जिसको कहते हैं अपन SSH, SS, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूँ। सबसे पहले सिक्योर शेल, जो कि सिक्योर शेल प्रोटोकॉल है, ये एक क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। सब लोग अपना माइक बंद कर लेना। क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ एनक्रिप्शन, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, देखो क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब है कि यहाँ पे एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करके कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए इसका नाम ये क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल के श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है? ये इसका इस्तेमाल क्यों होता है, अगर अपन देखें, ये नेटवर्क सर्विसेज को, जो नेटवर्क सर्विसेज हैं उसको सिक्योर बनाने में मदद करता है, ताकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करें वो सिक्योर्ड हो सके, ठीक है? ये भी हो सकता है कि अनसिक्योर्ड नेटवर्क में अगर हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो ये अगर आप बोलें कि ये किसका ऑल्टरनेटिव, अगर अपन देखें कि ये किसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो बिल्कुल आप टेलनेट या जो रिमोट लॉगिन है, आर लॉगिन जिसको बोलते हैं, वो उस लोगों का ऑल्टरनेटिव हो सकता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का लॉगिन हो सकता है, ऑल्टरनेट हो सकता है। तो बेसिकली ये, अगर आप इसको एक शब्द में कहें तो ये बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग रिमोट सर्वर, रिमोट सर्वर को एक्सेस करने में ये मदद करता है। और अगर इसको अपन आर्किटेक्चर के फॉर्म पे देखें तो ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, क्योंकि ये हम लोग एक क्लाइंट यहाँ पे बनाते हैं और उसको हम लोग सर्वर से मांगते हैं, तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के तौर पे यूज होता है। अब इसमें अगर हम लोग एनक्रिप्शन टेक्निक देखें तो इसमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी के अलग अलग टेक्निक होते हैं, उसमें एक ये है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होता है, एक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही ताले की अलग अलग, जो सेम चाबी होती है वो अलग अलग लोगों को हम लोग दे देते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे अपन नहीं कर सकते उसका इस्तेमाल। तो अपन क्या करते हैं कि देखिए, एसिमेट्रिक की में क्या होता है, एसिमेट्रिक की में 2 टाइप का की होता है। एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिसिटी नहीं है, तो यहाँ पे 2 टाइप का की होता है हर इंसान के पास, एक होता है पब्लिक की और हर इंसान के पास एक होता है प्राइवेट की। ये लगभग, मतलब लगभग क्या, सभी के पास ये 2 की होता है जो इसमें इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर मैं एक एल्गोरिदम आपको, एक छोटा सा, मतलब सिर्फ नाम बता रहा हूँ, एक RSA एल्गोरिदम है, राइवेस शामिर एडलमैन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम ऐसा एल्गोरिदम है, आगे अपन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि आप इसमें जब अपन इनपुट देते हैं तो आउटपुट में 2 की जनरेट हो जाता है, पब्लिक की प्राइवेट की, और वो प्राइम नंबर्स के माध्यम से होता है अलग अलग। उसका पूरा एक एल्गोरिदम है जिसमें वो मॉड्यूलो अरिथमेटिक ऑपरेशंस फॉलो करता है और फिर जाके एक लंबा चौड़ा एक जो की है वो जनरेट करता है पब्लिक की और प्राइवेट की के लिए। ये असिमेट्रिक की में यूज होता है। प्राइवेट नाम से ये समझ में आता है कि हम लोग इस, जो ये की जनरेट होगा ना, ये हम लोग किसी को नहीं देंगे, ये हम लोग अपने कंप्यूटर में ही रखेंगे।
और पब्लिक की हम लोग ढिंडोरा पीट पीट के सबको बताएंगे कि ये हमारा पब्लिक की है भाई, ले लो हमारा, मेरे से कभी भी बात करना होगा तो ये पब्लिक की ले लो, ठीक है। तो पब्लिक की और प्राइवेट की का मतलब अंदर में यही है। अब मुद्दे की बात ये है कि ये आपस में होता कैसे है। इसमें एक रूल याद रखना कि पब्लिक की सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप किसी को भी बोल देते हो वो उसके पास, मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास को आपने बोल दिया कि भैया मेरा ये पब्लिक की है वगैरह वगैरह, तो इसके पास आपका पब्लिक की आ गया। लेकिन जब भी कभी इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना होगा तो क्या होगा कि ये जो, अगर इसको मान लो कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोई जो मैसेज है उसमें इसका, इस व्यक्ति का पब्लिक की से उसको एनक्रिप्ट करेगा। मतलब ये जो मैसेज होगा उसको एनक्रिप्ट ये इस व्यक्ति के पब्लिक की के साथ करेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का पब्लिक की होता है वही अपने प्राइवेट की से उस चीज को खोल सकता है। मतलब अगर इस पर्टिकुलर इंसान को, मान लो ये ए है और ये बी है, बी को अगर ए तक कोई डेटा पहुंचाना है तो वो क्या करेगा, लेकिन उसके पास पब्लिक की ए का है क्योंकि वो तो कभी किसी सबको दिया जाता है, तो ये क्या करेगा, उस मैसेज में ए का पब्लिक की को इंसर्ट कर देगा और फिर उसको भेज देगा। मैसेज एनक्रिप्ट हो चुका है किसी के पब्लिक की के साथ, लेकिन ये जब मार्केट में जाएगा या फिर इंटरनेट में जाएगा तो कोई सोचेगा इसको अटैक करने का, दूसरे लोग अटैक, लेकिन किसी के पास इसका ए का प्राइवेट की नहीं होने के वजह से कोई भी इस मैसेज को छेड़ भी नहीं सकता। और ये जाएगा जब कभी ए अपना प्राइवेट की से इसको खोलेगा तभी वो जाके खुलेगा। ये प्रोसेस समझ में आया क्या? तो सिक्योर सर, प्राइवेट और पब्लिक की दोनों डिफरेंट होगा? हाँ, प्राइवेट और पब्लिक की दोनों डिफरेंट होगा। कोई भी एल्गोरिथम से अपन जब आउटपुट निकालेंगे तब वहां पे दो की जनरेट होता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। प्राइवेट की आप किसी को नहीं देते, पब्लिक की पूरे दुनिया में या सबको देते हो। तो वैसे ही है यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट। समझ में आया? अब अपन देखते हैं कि कैसे अपन इसको सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं सिक्योरली। नाम ही है सिक्योर शेल। तो देखो यहाँ पे आप एक काम करते हैं कि एक कंप्यूटर ले लेते हैं जो कि हमारा कहलाएगा SSH क्लाइंट। ये आप नहीं हो ना, आप हर बार की तरह यहाँ पे मौजूद हो जो कुछ कुछ खेल रहे हो, और ये आपने एक एजेंट को लिया जो कि है SSH क्लाइंट। SSH क्लाइंट अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम है पुट्टी। इस एप्लीकेशन से आप ये SSH क्लाइंट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मैक ओएस चला रहे हो या लिनक्स चला रहे हो, यहाँ पे अपन विंडोज लिख देते हैं, अगर आप लिनक्स चला रहे हो तो आपको वहां पे बाय डिफॉल्ट इन बिल्ड आपको एक टर्मिनल दिया जाता है, उस टर्मिनल पे आप काम कर सकते हो, और विंडोज के लिए अपन को पुट्टी लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे SSH क्लाइंट का इस्तेमाल करोगे। अब ये SSH क्लाइंट क्या करेगा, ये इस तरफ देखते हैं कि इस तरफ यहाँ पे है जहां आप एक्सेस करना चाह रहे हो, उसको बोला जाएगा रिमोट सर्वर। ये एक रिमोट सर्वर होगा जहां से अपन फाइल लेना चाहते हैं। तो अब आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया की वाला। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले क्लाइंट यहां से रिक्वेस्ट मांगने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला जो उसका कदम होगा वो रिक्वेस्ट मांगना होगा कि भैया मेरे को आपके सर्वर से कुछ फाइल चाहिए या फिर मेरे को आपसे कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। अब जो कि रिमोट सर्वर के पास ये जो क्लाइंट है उसका पब्लिक की मौजूद होगा, क्योंकि ये तो अपना पब्लिक की दे रखा होगा तो इस सर्वर के पास, तो ये इसके पास अपना पब्लिक की, इसका क्लाइंट का पब्लिक की होगा, तो ये एक एक्नॉलेजमेंट टाइप का भेजेगा जो एनक्रिप्टेड फॉर्म पे होगा। मतलब सेकेंड स्टेप अगर अपन देखें तो एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग यहां से ट्रांसफर होगा।
ये स्ट्रिंग कैसा होगा अगर अपन इसको देखें, तो ये एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग होगा यूजिंग पब्लिक की ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के ही पब्लिक की के साथ हम लोगों ने एक कोई भी उसके पास कोई एक हेलो वाला मैसेज होगा, उसको उसने क्या किया पब्लिक की के साथ, क्लाइंट के पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट किया और इसको भेज दिया। ओके तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट रिक्वेस्ट किया है सर्वर को एक्सेस करने के लिए, सर्वर चेक करता है अपने फाइल को कि भैया जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया है उसका पब्लिक की मेरे पास है कि नहीं। जैसे ही उसको मिल जाता है सर्वर क्या करता है, एक यहाँ पे मैं अगर इसको शब्दों में अगर लिख दूं तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप था वो था क्लाइंट रिक्वेस्ट टू एक्सेस द सर्वर, ये सबसे फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद क्या इसी में एक आगे था कि अब सर्वर क्या करेगा, विल चेक इट्स फाइल्स फॉर द पब्लिक की, वो उसके पब्लिक की ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के पब्लिक की को पहले चेक करेगा कि इसका पब्लिक की मेरे पास मौजूद है कि नहीं, क्योंकि दुनिया का पब्लिक की सर्वर को लोड करने की जिम्मेदारी थोड़ी है, वो क्यों माथा फच्ची करेगा और पूरी दुनिया का पब्लिक की रखेगा। जो कोई भी उसको रिक्वेस्ट मांग रहा है उसका पहले वो देखेगा कि मेरे पास इसका पब्लिक की है कि नहीं। सेकंड स्टेप ये होगा कि सर्वर विल जनरेट अ रैंडम स्ट्रिंग, कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग वो जनरेट कर लेगा और उसको एनक्रिप्ट करेगा, एनक्रिप्ट इट using client public key। अब client public key के उसको मिल गया, मान लो कि ये client का public key है तो उसको encrypt करने की कोशिश करेगा। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो जब वो भेजेगा ठीक है, तो client के पास message आया, एक encrypted string आया जो कि उसी के public key के साथ है। तो अब ये जो client है ये क्या करेगा, client will decrypt, अब वो उसको decrypt करने की कोशिश करेगा, decrypt by client private key, जो client का private key है उसके साथ, उससे वो उसको decrypt करने की कोशिश करेगा। okay, और अब client क्या करेगा, acknowledge करेगा कि अगर उसको जो data मिला है ना, मान लो ये उसको hello लिख के भेजा था, तो अब ये एक plain text उसको वापस भेज देगा। क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल एक्नॉलेज, अब क्लाइंट एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा जो कि एक्नॉलेज टू सर्वर कि भैया आपका जो हेलो है वो मेरे को मिल चुका है। और जैसे ही सर्वर को पता चलेगा कि यस कि भैया जो मैंने हेलो मैसेज भेजा था वो उसको मिल गया है, तब जो सर्वर है वो मान जाएगा कि ये यूजर ऑथेंटिक है, यूजर बेकारी छाप नहीं है, ऑथेंटिक है, और वो जो क्लाइंट है उसको बोल देगा कि आप वेरीफाइड हो गए। मतलब ये अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ये होगा कि SSH, ये जो प्रोसेस है, इन दोनों के बीच में जो आपका क्लाइंट है और ये सर्वर है, इन दोनों के बीच में एक टनल जैसा बन जाएगा। टनल मतलब होता है गुफा, तो गुफा ये कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, मतलब ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो जाता कि गुफा बन गया, ये एक बोल सकते हैं कि गुफा के अंदर कोई जा नहीं सकता, मतलब कि उस अब क्या है कि ये इन लोग आपस में एनक्रिप्टेड फॉर्म में बात करेंगे डेटा को, क्योंकि अगर इसको बात करना होगा तो ये पब्लिक की से बात करते रहेगा और फिर वो अपने क्योंकि मालूम है कि वो अगर मान लो इसको कोई करना है तो ये अपने प्राइवेट की से उसको खोल सकता है। मतलब इन दोनों के बीच में जो डेटा के कम्युनिकेशन होगा वो एक दूसरे के पब्लिक की के साथ होगा और हर व्यक्ति अपना प्राइवेट की से उसको खोलेगा और उसको समझेगा, और जो बीच वाला जो हैकर है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये इन लोग बात क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि SSH जो है क्रिएट्स अ टनल, यहाँ पे SSH एक टनल की तरह बना देगा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर,
ठीक है, और उसमें डेटा विल पास इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा जाएगा टनल पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो SSH है ये काम क्यों कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली इसको हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, ये कॉन्फिडेंशियल डेटा हमारा मेंटेन रहे उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इंटेग्रिटी के लिए भी मेंटेन करते हैं कि हमारा कोई डेटा है वो इंटीग्रिटी हो, मतलब कि पूरा संपूर्ण डेटा यहां से वहां जाए, ऐसा नहीं है कि हमने मान लो यूजर नेम पासवर्ड भेजा और पासवर्ड गायब हो गया, सिर्फ यूजर नेम ही बस वहां गया। तो इंटीग्रिटी ऑफ ये जो डेटा है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, एक ओवर अनसिक्योर्ड नेटवर्क में हम लोग इसको पहुंचा पाए, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है SSH के लिए। बोलो ये समझ में आया क्या या नहीं आया तो बताओ। सर एक बार स्टार्टिंग को ना वो बस बता दीजिए, स्टार्टिंग से रिवाइज कराऊं? यस सर बस। ठीक है, माइक बंद कर लेना। सिक्योर सेल, शेल तो समझते होगे ना, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सिक्योर शेल, सिक्योर नाम है, सिक्योरिटी से यूज हो रहा है। क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है क्योंकि यहाँ पे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के टेक्निक्स लग रहे हैं। बेसिकली ये अल्टरनेटिव है किस किस चीज का, जैसे हम लोगों ने अभी तक टेलनेट FTP वगैरह जितने भी पढ़े हैं, जो अनसिक्योर्ड या क्लियर टेक्स्ट के फॉर्म पे जो डेटा भेजते थे उनसे बचने के लिए वो उनका अल्टरनेट ये है। और बेसिकली रिमोट सर्वर, जो आप सर्वर आपसे दूर में है या कोई कंप्यूटर आपसे दूर में है उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो ये टेक्निक यूज होता है। क्लाइंट सर्वर टाइप का है, क्लाइंट मांगता है, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के रूप में है। दो टेक्निक होते हैं एनक्रिप्शन के, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक अपन यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है और सिक्योरिटी के लिए हम लोग को बीच में की हम लोग नहीं भेजना चाहते क्योंकि की भी गायब हो सकती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एसिमेट्रिक टेक्निक यूज करते हैं। एसिमेट्रिक टेक्निक में दो टाइप का की जनरेट होता है, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। पब्लिक की पब्लिक में बांटने के लिए होता है, मतलब कि वो हर किसी को दिया जा सकता है। और आप ऐसा नहीं है कि आपने आज जनरेट किया तो आप पूरी दुनिया को आज बांटते फिरोगे, ऐसा नहीं है। आप जिस जिस सर्वर के साथ कनेक्टेड हो या आप बात करना चाहते हो उसको तो कम से कम अपना पब्लिक की दे ही दो। और पब्लिक की आप मार्केट में दोगे तो कोई मतलब भी नहीं है उसका, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई मैसेज को तभी खोल सकता है जब वो अपना प्राइवेट की से खोले, अपना उसके पास, ये उसके पास प्राइवेट है। कोई भी मैसेज अगर एनक्रिप्ट होके आ रहा है, कोई भी मैसेज अगर एनक्रिप्ट होके आ रहा है इस पर्टिकुलर व्यक्ति के पब्लिक की के साथ, तो वो अपने प्राइवेट की को से खोल सकता है। अगर कोई मैसेज आ रहा है वो फलाना दूसरे व्यक्ति के पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट होके आ रहा है तो वो अपना प्राइवेट की लगाएगा तो वो नहीं खुलेगा, क्योंकि वो किसी और के पब्लिक की के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट है, उसको SSH में लगाया गया, जिसमें ये जो क्लाइंट है ये सबसे पहले एक रिक्वेस्ट के तौर पे बोलता है कि मेरे को आपसे वार्तालाप करना है। एक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में ये बोलता है कि आप सही व्यक्ति हो या नहीं, इस या फिर हम लोगों को आपस में कम्युनिकेशन करना है सिक्योर्ड वाला, तो उसके लिए पहले आपकी जांच होगी कि आप सही व्यक्ति होगी कि नहीं। तो वो क्या करता है, एक हेलो स्ट्रिंग, मान लो हेलो स्ट्रिंग है, उसको एनक्रिप्ट करता है इस सामने वाले व्यक्ति के पब्लिक की के साथ। वो पहले चेक करता है कि इसका पब्लिक की है कि नहीं, फिर उस व्यक्ति के उसको चेक वो एनक्रिप्ट करता है, उसको भेज देता है कि अगर सामने वाला पढ़ लिया मेरा मैसेज को तब तो वो ठीक है, अदरवाइज गलत है, तो ये भेज देता है। फिर क्लाइंट क्या करता है, अपने प्राइवेट की के साथ उसको खोलने की कोशिश करता है, वो खुल जाता है क्योंकि उसी के पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट हुआ है। तो वो बोलता है, फिर सामने वाले व्यक्ति को और सर्वर को बोलता है कि भैया आपने हेलो भेजा था क्या? तो बोलता है हाँ भाई मैंने तो हेलो ही भेजा था। तो बोलता है कि चलो आपने जो भेजा था वो मेरे को मिल गया, इसका मतलब मैं वेरीफाइड हूँ। तो रिमोट सर्वर भी बोलता है कि आप वेरीफाइड हो। अब इन दोनों के बीच में एक सिक्योर्ड कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, और उस सिक्योर्ड कम्युनिकेशन को वर्चुअली बोला जाता है, ये एक टनल बन गया है इन दोनों के बीच में, जो एक ऐसी टनल है जिसको कोई और भेद नहीं सकता, वो इस टाइप का कम्युनिकेशन होने लगता है। ये समझ में आया क्या?
सर जैसे कि वो कोई पर्सन अपना कोई भी मैसेज को उसको भेज रहा है, तो वो अपने पब्लिक की के अपना प्राइवेट की तो सिर्फ उसको पता रहेगा ना सर, और दूसरा हाँ वाला जो रहेगा वो उसके पब्लिक की से पहले उसको खोलेगा, फिर अपना प्राइवेट की कैसे उसमें वो प्राइवेट की नहीं कैसे उसको यूज करेगा। देखो, नॉर्मली जब यहाँ से डेटा गया तो ये कुछ भी भेज दिया, मान लो सिग्नल भेज दिया एक्स वाई जेड, एक क्लियर टेक्स्ट के फॉर्म पे भेज दिया, ठीक है। इस एक्स वाई जेड को तो कोई भी देख सकता है, क्योंकि कोई हैकर होगा बीच में, वो देख लिया एक्स वाई जेड भेजा है, लेकिन उसके क्या काम का, एक्स वाई जेड तो उसके कोई मतलब का नहीं है। लेकिन ये उसको साथ में एक रिक्वेस्ट की तरह भेजा कि भैया मैं आपको कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, और साथ में ये मैसेज भेज दिया। अब ये व्यक्ति, अब जैसा ये बोल रहा है कि अभी तक तो ये कुछ नहीं किया ना, ना अपना पब्लिक की का इस्तेमाल किया है, ना अपना प्राइवेट की का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये व्यक्ति है, जब इसको रिक्वेस्ट आया सामने वाले व्यक्ति से कि मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो ये एक टेस्ट टाइप का एक मैसेज कर दिया, हेलो मान लो, और ये हेलो को छुपा दिया। किससे छुपाया? जो भी सामने वाले व्यक्ति है उसके पब्लिक की के साथ, ये सामने वाले व्यक्ति के पब्लिक की के साथ ये पूरा छुप गया। अब ये ओपन कैसे होगा? ये ओपन होगा कि जब ये ऐसे छुपा के ये मैसेज भेजा है ना, ये पूरा ये छुप गया मैसेज, ठीक है। अब ये मैसेज चला गया यहाँ से उड़ते हुए, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ इसको तो मालूम है, इसको तो अपने पब्लिक की मालूम है और इसको अपना प्राइवेट की मालूम है। इसको अपने पब्लिक की से कोई काम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको तो मैसेज डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट के लिए इसको प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करता है कि अपना प्राइवेट की लगाता है और उसको खोलने की कोशिश करता है, एंड देन फिर वो उसको पूरा हेलो वापस यहाँ पे, मतलब ये हेलो जो है वो यहाँ पे मिल जाता है, और वो उसको बोल देता है कि भैया आपका जो हेलो है वो मेरे को मिल गया। एंड देन फिर इन लोगों के बीच में फिर जाके एक कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, जो किसी कोई नहीं देख सकता। इसके पहले तो नॉर्मल लोग जो बात कर रहे थे वो किसी को समझ में वैसे भी नहीं आ रहा था। यस पक्का समझ में आया या फिर और कुछ बताऊं? सर, सर का पब्लिक की गया तो दूसरे के पास भी जा सकता है ना क्या बोल रहे हो? सर? जैसे सर्वर के पास इसका पब्लिक की है जो इंक्रिप्ट करके भेज रहा है, तो हाँ दूसरा जो हाँ कोई उसके पास भी तो पहुंच सकता है वो चीज। हाँ तो पब्लिक की तो किसी के पास पहुंच सकता है, पब्लिक की तो उस हैकर के पास भी पहुंच सकता है। हैकर के पास पब्लिक की है मान लो, ठीक है। पब्लिक की होने से क्या फायदा है? ये अगर कोई मैसेज भेजा, ये हेलो भेजा मान लो, ठीक है, अभी इसके पास तो पब्लिक की है, पब्लिक की से तो ये खुलेगा नहीं, ये हेलो खुलेगा प्राइवेट की से ही। मतलब अगर कोई चीज लिफाफा बंद है तो वो खुलना प्राइवेट की से है, और प्राइवेट की किसी के पास नहीं है। प्राइवेट की ना वो इस नेटवर्क में वो भेजा है, ना किसी को बताया है, चुपचाप अपने पास रखा हुआ है। और जब तक वो प्राइवेट की नहीं होगा तब तक कोई भी उस मैसेज को खोल नहीं सकता जो इसके पब्लिक की के साथ एनक्रिप्टेड है। सर तो किस तरीके से इंक्रिप्ट किया हो तो पता चल जाएगा, और फिर खुल सकता है फिर उसको। किस तरीके से एनक्रिप्ट किया है ये कैसे पता चलेगा? जब पब्लिक की है तो वो इंक्रिप्ट करके भेजेगा ना। नहीं तो भैया, अगर ये एक नॉर्मल व्यक्ति सही सोच रहे हो कि जिस एल्गोरिदम से पब्लिक की प्राइवेट की बना है, अगर सिर्फ पब्लिक की पता चल जाए तो प्राइवेट की भी पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एल्गोरिदम डिजाइन होता है तो भी उन लोगों के पास यही दिमाग होता है कि पब्लिक की, जब सारे लोगों को, दुनिया को पब्लिक की बांट रहे हैं, तो फिर तो कोई भी उसका प्राइवेट की खोज लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्राइवेट की अलग तरीके से जनरेट होता है और पब्लिक की अलग तरीके से, इसीलिए दोनों का जब वो एल्गोरिदम से पास होते हैं तो प्राइवेट की का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इस वजह से पब्लिक की से प्राइवेट की जनरेट करना नॉट पॉसिबल। मतलब अगर किसी के पास भी पब्लिक की है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको प्राइवेट की पता चल जाएगा। हाँ, अगर उसको टेक्निक के बारे में पता चल चुका है कि जिस टेक्निक से है, और उसको अगर उसका तोड़ है उसके पास कि वापस डिक्रिप्शन टेक्निक उसके पास मालूम है, तब वो जरूर उसको खोल सकता है कि अगर इस टेक्निक से अगर चल रहा है तो फिर मोस्ट पॉसिबल वेज क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन इसीलिए जब क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक में यूज होता है तो इतने तरीके हैं, मतलब ये तो मैं सिर्फ एक आरएसए बताया आपको, इतने टेक्निक है आप गेस नहीं कर पाओगे कि कौन से टेक्निक से वो जा रहा है। मान लो आपके पास अचानक से कोई पब्लिक की आ गया,
तो आपको ये पता नहीं है कि ये RSA टेक्निक से इसको इंक्रिप्शन हुआ है या फिर इसका कोई कोई दूसरा टेक्निक है, DSA टेक्निक है, इससे हुआ है, तो आप उसमें खोजते रहो, क्योंकि एक पब्लिक से या एक को डिक्रिप्शन करने के लिए कम से कम मतलब कई करोड़ों हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो होता है। तो 10 जन्म लग जाएंगे उसको करने में, मतलब ऐसा होता है। लेकिन उस देखो लूप होल्स हैं, लूप होल्स हैं, तभी आज साइबर सिक्योरिटी इतना ज्यादा पॉपुलर है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और कोई या और कुछ पूछना हो तो? आप लोगों को पता है साइबर सिक्योरिटी कितना अभी हो रहा है, मतलब कहाँ पूरे विश्व में अगर अपन को साइबर सिक्योरिटी का देखना है कि कहाँ पे साइबर अटैक सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो कोई किसी को पता है क्या कि कोई कहीं अपन उसको चेक कर सकते हैं? जैसे कोरोना के लिए अभी है ना, जैसे कोरोना कोरोनो वर्ल्डोमीटर डॉट ओ आर जी करके कुछ कुछ है जहाँ पे पता चल जाता है। कोई कुछ बोल रहा था क्या? थ्रेट क्लाउड का नाम सुने हो गया कोई? देखो एक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ देखो यहाँ पे मैं थ्रेट क्लाउड एक क्लिक करता हूँ गूगल पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइव साइबर थ्रेट मैप दिखाता है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ कि देखो पूरे वर्ल्ड में साइबर थ्रेट कहाँ कहाँ पे हैं, ये एक्चुअली टेक्निक का लूप होल्स है, इसी वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पे लाइव साइबर थ्रेट दिखा रहा है कि कैसे किस देश से किस देश की तरफ साइबर अटैक सबसे ज्यादा हो रहा है, जिसमें टॉप टारगेटेड कंट्रीज में आप देख सकते हो इंडिया का नाम भी मौजूद है। अगर आप इंडिया पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे लास्ट 30 डेज का मालवेयर टाइप ट्रेंड दिखा रहे हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के जो साइबर थ्रेट होते हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि और मतलब ये जो प्रकार के साइबर थ्रेट हैं वो क्या क्या होते हैं, जिनको नहीं पता होगा बाकी ऑलमोस्ट। ये देखो यहाँ पे अभी देखो यहाँ इंडिया में कैसे आ रहा है अलग अलग कंट्रीज से जो। ठीक है, ये साइबर थ्रेट वही है ना, फिशिंग अटैक और फलाना जितने मालवेयर हैं वो इधर से आते हैं। बापरे इंडिया में सोचो कितना अटैक हो रहा है, देख के दुख लग रहा है। बट सर अभी थोड़े दिन पहले ये महाराष्ट्र में हुआ था ना सर, उनके बहुत सारे लोगों का वो लीक हो गया था प्राइवेसी। हाँ ये तो लगातार चल ही रहा है। ठीक है देखो चाइना कैसे हो रहा है साला, आई डोंट लाइक इट। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या कुछ बता रहा था, आप लोगों का अगर आप लोग सिलेबस की ओर ध्यान दोगे तो सिलेबस में आप लोग फर्स्ट यूनिट के ऑलमोस्ट चीजों को हम लोगों ने कवर किया, सेकंड एप्लीकेशन लेयर में वर्किंग ऑफ WWW, ईमेल, टेलनेट, FTP, सिक्योर शेल, DNS के बारे में, BitTorrent एंड सम अदर एप्लीकेशन, कोई अदर एप्लीकेशन आपको जो लगता है जिसमें फाइल ट्रांसफर होता है वगैरह उसकी भी वर्किंग देख सकते हो। आर्किटेक्चर ऑफ ईमेल सिस्टम, टेलनेट, DNS और WWW को हम लोगों ने देखा। यहाँ पे है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन दीज सिस्टम्स, ये जो सिस्टम्स हैं जितने भी सिस्टम उसमें सिक्योरिटी लूप होल्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे मतलब थोड़ी कमजोरी कहाँ पे है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, और बोल रहा है साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव करस्पॉन्डिंग टू अबव मेंशन टॉपिक। ये मेंशन टॉपिक्स को साइबर सिक्योरिटी फॉर्म पे लेना कि साइबर सिक्योरिटी एरिया पे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट चीजों को देखा है कि जैसे टेलनेट और FTP वगैरह सब में देखा कि साइबर सिक्योरिटी में ये बिल्कुल वीक होते हैं, क्योंकि ये तो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म पे देते हैं, और कुछ चीजें सिक्योर शेल वगैरह चीजें फायदेमंद है। ईमेल जो सिस्टम है जो यूज होता है उसमें हम लोग SSL यूज करते हैं, और अभी तो जो Gmail यूज करता है वो TLS यूज करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। जो आप लोग कभी मेल चेक किए होंगे तो मेल में भी आपको दिखता होगा, अगर आप कभी ध्यान देंगे तो देखना आपको एक मेल आएगा, जैसे एक छोटा सा मेल दिखाता हूं मैं,
लेट सपोज कि देखो यहाँ पे एक कोई आया है एक मेल, इसमें अगर आप यहाँ पे जाएंगे शो डिटेल्स में तो आप नीचे साइड में देखेंगे सिक्योरिटी लिखा होता है जिसमें स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन दिया रहता है TLS, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो SSL का आगे वर्जन है। और इसके बारे में आप यहाँ लर्न मोर देखेंगे तो आपको और इसका डिटेल आपको दिख जाएगा। और ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ताला है ना, दिख रहा है क्या छोटा सा ताला? Yes, sir. ये ताला का कलर एक यहाँ पे देखना, एक सेकेंड, सब माइक बंद कर लो अपना। ये जो ताला का कलर है ना, ये ताला का कलर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये कलर अभी क्या है, ग्रे कलर का आपको दिख रहा होगा। मैं देखना यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ईमेल इंक्रिप्शन का टेक्निक बता रहा है जो अभी यहाँ पे यूज हो रहा है, SMIME करके। कोई किसी को पता है क्या SMIME क्या होता है? ये एक्चुअली होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, अलग अलग होता है। जैसे अभी अपन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम पढ़े, वैसा एक टेक्निक होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक एनक्रिप्शन होता है। और ये अलग अलग टेक्निक को यूज करते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन। उसमें PGP होता है, प्रिटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल होता है, बिट मैसेज गार्ड प्रोटोकॉल होता है, और उसमें एक जो टेक्निक होता है वो SMIME होता है, जो ये जीमेल अपने उसमें यूज करता है। उसका मतलब होता है सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। फुल फॉर्म फिर से बताता हूं, सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये इस प्रोटोकॉल को यूज करता है, सब प्रोटोकॉल का अपना तरीका है काम करने का। इसमें अगर आपको ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको तीनों कलर के बारे में आपको बताया है कि ये जो जब एनक्रिप्शन होता है कोई भी आपका ये जो मैसेज है, ये मैसेज एनक्रिप्शन हो रहा है तो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड एनक्रिप्शन है भैया, TLS से हमको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये ताला इंपॉर्टेंट है जहां से ये आता है, वो ताला का सिग्निफिकेंस यहाँ दिया है कि देखो जब ग्रीन कलर का ताला बनेगा आपके एनक्रिप्शन में तो बोलता है सुइटेबल फॉर योर मोस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, SMIME encrypts ऑल आउटगोइंग मैसेज इफ वी हैव द रिसिपियंट पब्लिक की। रिसिपियंट के पब्लिक की अगर आपके पास है तो वो सारे उसको एनक्रिप्ट कर देता है जो भी मैसेज आउटगोइंग है। समझ में आया क्या? Yes, sir. बताओ तो क्या है, क्या बोला वो सर? अगर वो ताला ग्रीन कलर का है तो कोई भी मैसेज जो हम लोग भेज रहे हैं वो जो रेसिपिएंट है उसका पब्लिक की है तभी वो ग्रीन कलर का लॉक होगा। हाँ देखो, हो सकता है आप जिसको मेल भेज रहे हो या आपके साथ जो मेल आया है उसके साथ या उसका उस पर्टिकुलर व्यक्ति का पब्लिक की आपके पास पहले से मौजूद है। तो क्या होता है, SMIME जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है ऑल आउटगोइंग मैसेज, जो भी आउटगोइंग मैसेज है इफ वी हैव रिसिपिएंट पब्लिक की। सामने वाले व्यक्ति का पब्लिक की है तो ये बिल्कुल एनक्रिप्ट करने में आसानी पड़ती है क्योंकि वो मालूम है कि वो सामने वाले व्यक्ति के पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट करेगा तो जो रिसिपिएंट है वो अपने प्राइवेट की के साथ उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। ये समझ में आ गया ना, जो हम लोग वहां पे अभी टेक्निक पढ़े हैं वो टेक्निक यहाँ सेम चीज को बोल रहा है। तब ये ताला ग्रीन कलर का होता है। अभी जैसे ग्रे कलर का ताला है वो क्या बोलता है, मोस्ट मैसेज के लिए यही सुइटेबल होता है। TLS is used for message exchange with other email who does not support SMIME, जिसका public की आपको नहीं मालूम। अभी कितने सारे व्यक्ति के साथ मेल होता रहता है, बातचीत होता रहता है, उसका तो आपको नहीं मालूम, तो generally ये वाला ताला use हो जाता है जो आप देखते होंगे। और लाल कलर का जो ताला होता है वो बोलता है unencrypted mail which is not secure, बिल्कुल secure नहीं है आप जो मेल भेजने चाह रहे हो, इसलिए आप कोई भी इसमें यूजर आईडी या पासवर्ड वगैरह मत शेयर करना। जब ये टेक्निक या कहीं से मेल आया है और वहां से ये ताला ऐसा लाल कलर का बना हुआ है तो सर ग्रीन वाले को एक बार और थोड़ा सा बताइए ना। हाँ ग्रीन कलर का देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेज रहे हो तो उसके लिए बहुत सेंसिटिव है, मतलब सुइटेबल है। मतलब आपको अगर कोई यूजर आईडी या पासवर्ड किसी को भेजना है ना तो देखो वो मेल तो कहीं कोई भी पढ़ सकता है, बीच में हैक हो सकता है, तो आप डरोगे कि आप यूजर आईडी पासवर्ड मत भेजो। लेकिन कहीं
किसी व्यक्ति को आप भेजना चाह रहे हो, वहां पे अगर आपका ये जो ताला है वो ग्रीन कलर का बन रहा है, इसका मतलब ये है कि उससे उसका पब्लिक की आपके पास पहले से मौजूद है, और मौजूद है तो आप क्या करोगे, जो आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजने की कोशिश कर रहे हो वो सामने वाले व्यक्ति के पब्लिक की के साथ उसको एनक्रिप्ट कर दोगे। अब बीच वाला व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसको उसके पास प्राइवेट की नहीं है, बिना प्राइवेट की के तो वो पढ़ ही नहीं सकता। तो जो भी रिसिपियंट उस का प्राइवेट की रखे रहेगा, उस पर्टिकुलर व्यक्ति उसको डिक्रिप्ट करेगा और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पढ़ लेगा। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर मेल के थ्रू भेजना है तब आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये जो कलर है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। जब भी आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो, मेल चेक करते हो ना, कहीं भी किसी का मेल आया और वो यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है या कुछ भी मांग रहा है, तो आप ये चेक करना है कि ये जो ताला बन रहा है वो किस कलर का बन रहा है, तभी आप उसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि उसका पब्लिक की आपके पास मौजूद होगा, और पब्लिक की मौजूद होगा तो आप मैसेज भेजोगे तो आप उसको एनक्रिप्ट करके ही भेजोगे। सर, ग्रे लॉक वाले को कोई और पढ़ सकता है? किसको? ग्रे लॉक वाले मैसेज को? ग्रे लॉक वाले मैसेज, ये जनरली पब्लिक की होता नहीं है उसके पास, तो ये वाला टेक्निक यूज करता नहीं है बिल्कुल। वो यूज करता है नॉर्मल TLS सिक्योरिटी यूज करता है, और TLS यूज करता है, तो इसमें मतलब चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये सुइटेबल है मोस्ट मैसेजेस के लिए, लेकिन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये हरा कलर को चेक करना चाहिए। और कहीं अगर बाई चांस लाल कलर का साइन बन रहा है तो आप बिल्कुल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ तो मत ही भेजिए, या कोई भी मैसेज आप यहाँ पे कोशिश करिए मत भेजिए जो रेड कलर का बनता है। सर, ये प्राइवेट की और पब्लिक की जो दो ये नाम है, इसको यही बोलते हैं या इसको कुछ जनरली और कुछ भी टर्म इसके लिए यूज किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये प्राइवेट की पब्लिक की ही इस्तेमाल होता है। मतलब हम लोग जितना भी अगर कोई क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक पढ़ेंगे ना, तो आपको ये प्राइवेट की पब्लिक की ही बोला जाएगा उसको, ठीक है। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो अभी बी में है, वो 7 सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं और 8 सेमेस्टर में क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो दोनों सब्जेक्ट को मिला के साइबर सिक्योरिटी बना हुआ है। और बीटेक में अभी कब आएगा ये मेरे को पता नहीं, कौन से सेमेस्टर में आएगा, और मेरे ख्याल से सीएस तो शायद नेटवर्क पढ़ लिए होंगे, क्रिप्टोग्राफी अभी पढ़ने ही वाले होंगे होपफुली। सर, हाँ बोलो। सर, दिस ईमेल इज कंप्यूटर जनरेटेड, अधूरा नॉट रिप्लाई, ऐसा कुछ के आते हैं सर ईमेल, सर वो क्या है? क्या दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड? यस सर। सर, तो वो जो ईमेल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं सर? वो फर्जी आते रहते हैं कंप्यूटर जनरेटेड। मैं बनाऊं एक ठोक फर्जी ईमेल? कोई मेरे को दो लोग अपना वो भेजोगे क्या, बताओगे क्या अपना ईमेल आईडी? यस सर। एक सेकंड ना, मैं कहीं नोट कर लेता हूँ। हाँ रुपेश, तू अपना ईमेल आईडी बता। अच्छा, तेरा आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ तेरा आवाज नहीं। हाँ एक मिनट रुक जाओ, ठीक है रुपेश, माइक बंद करते एक मिनट। रुपेश माइक बंद कर तो। सर मैं बंद कर चुका हूँ। अच्छा तो कोई और बंद कर दो। हाँ कोई अपना मेल आईडी बताओ तो। सर meghaprathan42@gmail.com। हाँ धीरे धीरे बताओ। सर मेघा प्रधान, MEGHA मेघा, TRADHAN है ना? हाँ यस सर, 42@gmail.com ना? ठीक है। और ठीक है, अब एक काम करता हूँ मेघा, तुम मेरे को मेल नहीं कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे नाम से मेल करूंगा, ठीक है। मैं 2 मिनट अपना स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को भी देखना है, ठीक है ना? एक मिनट पहले मेरे को ट्राई तो करने दो, पहले माइक तो बंद कर लो, बहुत नॉइस आ रहा है। सब अपना माइक बंद कर देना है, 2 मिनट पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। क्या चला गया? एक
सीधा प्रधान ईमेल क्या है मेघा का NEGHAPRADHAN42@ कहाँ गया @gmail.com टू सिंह राठौर विवेक वन ठीक है सब्जेक्ट हेलो सर एक्सप्लेन के तौर पे अपन लिख देते हैं मैसेज क्या लिखूं मैं आई वांट टू जॉइन आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा यस सर देखो यहाँ पे मेरे को एक मेल आया हुआ है मेघा प्रधान के नाम से ठीक है अगर आप ध्यान से देखोगी तो ये मेघा प्रधान मेल सही लिखा है क्या मेघा दिख रहा है सर हाँ मतलब सही है ना मेल आईडी आपका यस सर सर मेरा उसमें डीपी भी शो कर रहा है अच्छा तुम्हारे डीपी शो कर रहा है Yes, और तुमने मेरे को एक मैसेज किया है देखो यहाँ पे मेगा प्रधान है मेगा प्रधान 42@gmail.com तुमने लिखा है आई वॉन्ट टू ज्वाइन साइबर सिक्योरिटी कोर्स ये तुमने भेजा है लेकिन ये थोड़ा सा ऑथेंटिक जगह से नहीं आया है इसलिए जो क्योंकि जीमेल इतना एडवांस फीचर यूज करता है तो यहाँ पे वो कर दिया है एक केयरफुल मैसेज भेज दिया है कि ये थोड़ा सा Gmail could not verify that it actually came from this mail ID or not. और अगर मैं यहाँ पर report phishing कर दूंगा तो थोड़ी देर में जहाँ से मैं किया वो block हो जाएगा तो अब ये है ना मैं तो एक simple से लिख दिया I want to join cyber security course. अब मैं सोचो यहाँ पर मैं एक mail ID बनाता हूँ मैं भेजूंगा principal के नाम से ठीक है और यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंसिपल जी सी बिलासपुर @gmail.com जिसमें चावला सर का मस्त फोटो भी आएगा और यहाँ पे एक अच्छा खासा मैसेज टाइप कर देता हूँ कि यू आर सेलेक्टेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दिस जॉब काइंडली ज्वाइन टुमारो करके और भेज देता हूँ किसी फलाना व्यक्ति को कोई व्यक्ति तो आ ही जाएगा यहाँ पे सीधा बोल के तो ये होता है समझ में आया कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी कहाँ से आता है हाँ ये मैंने आप लोगों को सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाया इसका कोई गलत उपयोग ना हो ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर कर देता हूँ ठीक है yes, हाँ ठीक है तो हाँ डाउट बताओ सर तो ये हाँ. जो मैसेज सेंड हुआ है वो मेगा के इनबॉक्स में शो होगा ये मैसेज हुआ है सेंड मेगा अगर मोबाइल होगा तुम्हारा तो चेक करो तो या ईमेल आईडी खुला होगा तो चेक करो तुम्हारे सेंट में होगा क्या ये मैसेज देखो तो नो सर नहीं आया मेरे पास कोई मैंने किसी को कुछ सेंड नहीं किया है अच्छा तुमने कुछ सेंड नहीं किया है ठीक है बट मेरे को तो तुम्हारे प्रोफाइल भी दिख रहा है डीपी भी दिख रहा है और मैं तो तुमको तुम ही समझूंगा कि भाई तुम्हें ही भेजे हो करके नो सर मैंने नहीं किया है हाँ तो ऐसा ना
ऐसा मैं फोन से भी कर सकता, मतलब मैं नहीं कर सकता, मेरे को अभी पता याद नहीं है, बट ये जब मैं वहां ट्रेनिंग करने गया था तो ये भी करके दिखाए थे और फोन भी किए थे, मतलब किसी और का फोन नंबर से किसी और के फोन कर लिए थे और लगा था कि वो सामने वाला व्यक्ति फोन कर रहा है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। सर वो वाला, हाँ वो नंबर वाला भी आप बताइए ना कैसे करते हैं। नहीं नंबर वाला अभी मेरे को खुद को याद नहीं है कि वो कैसे, सर एक मैं लिखा था कहीं पे कॉपी में, उसको मैं देखना पड़ेगा। और ये भी है इसके लिए मैं आपको मेरे को बताना ठीक नहीं है वैसे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी कोर्स है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कोई इसका गलत यूज नहीं करे क्योंकि अल्टीमेटली जीमेल इसको ना स्पैम में डाल देता है, मतलब मैं इनबॉक्स में आपको ये मेल नहीं दिखेगा, ये जाके स्पैम में चला जाता है ये सब मेल, क्योंकि ना कई लोग इसको फिशिंग में डाले होंगे तो ये जीमेल अपने आप ऐसा एल्गोरिदम बना के रखा है कि वो उस मेल को स्पैम में भेज देगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ट्राई करने के लिए ट्रम्प से भी मैसेज भेजा था लेकिन मेल आईडी अपना यूज कर लिया था तो एक मिनट माइक्स। हाँ बोलो, मतलब आप इसमें किए क्या, हमको ये नहीं दिखा कि आप कैसे किस टेक्निक से ऐसे मैसेज भेज रहे हैं, बस हम लोग मैं बता रहा हूँ। एक मिनट माइक सब बंद करो, नॉइस आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जो है, ये दिख रहा है क्या, EMKEI's fake mailer स्क्रीन पे? Yes, sir. हाँ, इसमें अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे ये पूछता है फ्रॉम नेम, किसका नाम डालूं, तो मैं मेघा प्रधान डाल दिया, फ्रॉम ईमेल उसका नाम डाल दिया, मेल डाल दिया, टू मैं अपना मेल डाल दिया, ये मैं किसी और के में भी डाल सकता था, इवन किसी दूसरे सर में भी डाल सकता था और यहाँ पे कुछ भी लिख सकता था वो चला जाता और वो फिर आपको करते टू में सब्जेक्ट के फॉर्म पे जो भी सब्जेक्ट है, और अटैचमेंट भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कोई अटैचमेंट डाल दिया और यहाँ पे ये टेक्स्ट प्लेन के फॉर्म पे आया। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या क्या चीज कर सकता हूँ, सोचो मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा मैसेज लिखा कि हेलो सर, आपका क्रेडिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी एक्सपायर होने वाला है तो कृपया इसको रिन्यू करिए यहाँ से लॉगिन करके। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट HTML फॉर्म फॉर्मेट में क्या किया कि उसका जो क्या बोलते हैं जैसे फेसबुक वगैरह का या कोई भी बड़े या बैंक का जो सोर्स कोड होता है ना, जो मेन पेज होता है, जो SBI अपन खोलते हैं तो सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड का पेज खुलता है, वो पेज खुलने का कुछ सोर्स कोड तो होगा ना, वो सोर्स कोड को मैं कॉपी करूंगा और एक पेज बना लूंगा और उसका जो डेटाबेस बनेगा ना जहाँ पे अपन यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो उसका कोई एक लॉग फाइल बनेगा कि आपने क्या क्या डाला है, क्योंकि ये ओरिजिनल SBI तो है नहीं, मैं तो उसका सिर्फ सोर्स कोड यूज करके एक पेज बना रहा हूँ जिसका मैं अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं तो उसका एक लॉग फाइल बन जाता है, जहाँ मतलब एक बेस बन जाता है जहाँ पे आप डालते हो, और उस लॉग फाइल में अपने आप आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, मैं वो लॉग फाइल को चुपचाप डाउनलोड किया और वहां से मेरे को दिख गया कि भैया आपने क्या डाला था और उसको मैं यूज कर लूंगा डायरेक्ट सीधा आप यूज करने के लिए। तो एक्चुअली आपने क्या किया, एक मेल आया और मेल को आपने पढ़ा कि भैया मेरा क्रेडिट कार्ड का वो एक्सपायर होने वाला है, मैं तुरंत रिन्यू कर देता हूँ, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाला और आपने होगा क्या कि मैं उसको ऐसा लिंक कर दूंगा कि उस यूजर आईडी पासवर्ड में जैसे आप क्लिक करोगे तुरंत आप SBI के मेन पेज में चले जाओगे और वहां पे फिर आप ओरिजिनल करोगे तो आपको तो लगेगा कि अरे सब कुछ बढ़िया बढ़िया है और अंदर घुसोगे, लेकिन मेरे पास एक लॉग फाइल बन गया जिसमें आप लोगों का डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गया। यही फिशिंग अटैक्स में किया जाता है जनरली, इसीलिए कहा जाता है कि ईमेल फोन में कोई भी ऐसा लिंक आता है जो मतलब कहीं से भी आ रहा है उसको बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि वहां आप टच करते हो तो आपका इन्फॉर्मेशन मांगते रहते हैं और फिर वहां पे फंसने के पूरे चांस, मतलब आप अननोइंगली आप दे देते हो इन्फॉर्मेशन को और आपको पता भी नहीं रहता और वो आज यूज नहीं करेंगे।